नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज फिर मैं आपके बीच आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मेरे कुछ भाई दोस्त मित्र लोग कह रहे थे कि नया वीडियो कब आएगा, तो लीजिए दोस्तों नया वीडियो आप लोग के आ गया। टॉपिक वही है, फ्रॉड चट्टा चैप्टर सौरभ डाक चैनल, सौरभ वर्मा इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा मक्कार कि मैं आपसे क्या बताऊं भाइयों। एक वीडियो में इसकी देख रहा था और उसमें उसने कहा कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई में एक जगह है नाला सुपारा में एक बॉयज हॉस्टल है और वहां के डीन से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि जानते हैं सौरभ जी जानते हैं आप, मेरे यहां नरेंद्र मोदी जी की फोटो, अमिताभ बच्चन जी की फोटो, रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो, बगल में एक फोटो और है, पूछेंगे किसकी? तो मैंने पूछा बताइए किसकी? सौरभ वर्मा जी आपकी फोटो। ये है, मैं भी लगा लूंगा, ये है चट्टा सौरभ वर्मा, सौरभ डाक पैनल, ये फोटो मैं भी लगा देता हूं, ये फोटो मैं भी लगा दिया। फोटो तो गिर गई भैंस पानी में। फोटो मैं उठा लेता हूं, ये है सौरभ वर्मा, सौरभ डाक पैनल। इतने बड़े महान ज्ञाता विद्वान विशिष्ट विचाराधीन आदमी, चट्टा चांडाल झपसटबाज फ्रॉडिया चीटर, लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ करने वाला यह चट्टा कहता है कि मुंबई के नाला सुपारा में बॉय हॉस्टल के डीन के मेरी फोटो लगी है। और आजकल उसके कुछ चमचे भी हैं जो मुझे कमेंट में वगैरह वगैरह लिख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चार चमचों से कुछ नहीं होता। मेरे पास मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब रियल हैं, सबको तुमने प्रताड़ित किया है, सबको तुम्हारे सब लोग दोषी हैं। और तुम ये जान लो कि मेरा पैसा खाकर सौरभ वर्मा, तुम्हें चैन से नींद नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं, समझे? चोरकट कहीं के फ्राडिया, तुम जो तुम्हारे साथ फ्राडिया, अरे तो फोटो फट गई, और तो फोटो फट गई, उत्तरी सौरभ वर्मा गया, फट गई फोटो, चांडाल कहीं के यही हाल होगा तेरा। तुझे तो मैं दुख हरण दे सकता हूं बढ़िया से, लेकिन मेरा लक्ष्य ही कुछ और है। मेरा लक्ष्य यही है कि तू जैसे फ्राडिया से, तू जैसे चट्टे से, तू जैसे चंडाल से लोगों को मुक्ति दिलाना, लोगों को बचाना, ताकि कोई भी पेट लवर, कोई भी डार्क लवर तेरे चक्कर में आके कोई गंदा कुत्ता, कोई खराब कुत्ता, कोई देसी कुत्ता ना ले जाए। तू देसी कुत्ता मिक्स ब्रीड बेचता है तो देसी कुत्ते तो गली में चौराहे में कहीं मिल जाएंगे, आदमी ढक नहीं पालेगा। क्यों तुझे 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 रुपए देगा? क्यों तेरी चुपड़ी पर, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में लोग बेचारे आके लोगों के साथ तू खिलवाड़ कर देता है? अरे चट्टे बेईमान, बेहया, बेशरम, बेलज, बेलज, शरम कर, तेरी दुकान एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो एक साल बाद तेरी दुकान तो बंद करवा के रहूंगा। नहीं करवाया तो मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह राजन नहीं, समझे? चरकट कहीं के। तो मेरे जो भी व्यूअर्स कह रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो लो लीजिए भाइयों, आ गई मेरी वीडियो चरकट के खिलाफ। और जब तक मेरा पैसा नहीं देगा, मुझसे इसने ठगी की है और मुझे अपने पैसे की कोई पड़ी नहीं, मत दे मेरा पैसा, रख ले तू मेरा पैसा, लेकिन मैं तुझे और लोग को ठगने नहीं दूंगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। आज मेरे 200, 500, 1,000 व्यूअर हैं, कल मेरे 2,000, 10,000, 25,000, 1,00,000 भी होंगे और सब तुझसे बचेंगे। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में, तेरे ये हिप्पी कट स्टाइल कोई नहीं आने वाला, समझे? मेरे फॉलोवर है मेरे वो, मैं जब भाइयों जब मैं इसको परेशान होकर फोन किया, मेरा कुत्ता देसी निकल गया, तो ये कह रहा है कि क्या नाम है कि मैं क्या करूं, मेरे तो 2.5 लाख यूट्यूब पे फॉलोअर हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, तुम मेरा कर क्या पाओगे? अरे ये जान लो कि हाथी को गिराने के लिए एक चींटी काफी होती है, तुम हो गए हाथी, मैं अपने आप को चींटी ही समझता हूं, लेकिन जिस दिन बेटा नाक में घुस जाऊंगा ना, धराशायी हो जाओगे, समझे? और धराशायी करने का रास्ता तुमने खुद चुना है, समझे सौरभ वर्मा? भाइयों बहनों, इस सौरभ डाक चैनल सौरभ वर्मा से बच के रहिए,
कोई भी आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, बिहार, चंदौली, मुगलसराय, जौनपुर, मोहम्मदपुर, मोहम्मदाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, इटावा, अमेठी, कुशीनगर, कोई भी इस चट्टे से कभी भी इसकी वीडियो देख के ना जाए इसकी बातों पे, या जो वीडियो में दिखाता है जो कुत्ता, वह ये देता नहीं है। आप वीडियो में कुत्ता कोई और देखेंगे, वहां जाएंगे तो कुत्ता कोई और मिलेगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। जो जो इसके पक्ष में आ रहे सौरभ सर, छौलब छल, छौलब छल तो तुम्हें नहीं ठगे, छौलब छल तो तुम्हें ठगे नहीं, और ये तुम ही करवा रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते, बहुत से कॉल्स मेरे पे आते हैं कि भैया मुझे भी ठगा, मुझे भी ठगा। आज आपको एक लाइव लाइव दिखाता हूं, मैं अभी फोन मिलाता हूं, मैं अभी एक इसी के कस्टमर है, एक इसी कस्टमर है विनय कुमार सिंह जी, जो पिछली वर्ष इससे कुत्ता लिए थे। आज कल मुझे उनका नंबर मिला, मैं आपको विनय कुमार सिंह जी को फोन मिलाता हूं आपके सामने। मैं विनय कुमार सिंह जी को फोन मिलाता हूं। भैया नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह आजमगढ़ से बात कर रहा हूं। नमस्कार भैया, नमस्कार। कल हमारी आपसे वार्ता हुई थी सौरभ डॉग केनल से, जो पपी आप लाए थे जर्मन शेफर्ड का। ओ, बहुत बेकार निकल गया, मेरे को उसको हटाना पड़ा था। तो ये सौरभ डॉग केनल कितने में दिया था आपको सौरभ वर्मा पपी? वो सौरभ डॉग केनल हमको 25,000 में पपी कमाया था, और जो वीडियो हमने देखी थी और जो क्या बोलते हैं फोटो उसने हम पे हमारे व्हाट्सएप पे वो भेजा था, वो पपी और वैसा वीडियो, मतलब वैसा डॉग प्रेजेंट टाइम पे हमको नहीं मिला। और उसने बोला कि वीडियो कुछ मतलब कि आप भी मेरी तरह बेवकूफ बन गए। मेरा 25,000 रुपया डाउन हो गया, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सौरभ डॉग चैनल से भैया कभी भी भरोसा नहीं करने का, उस पे उससे पप्पी नहीं लेने का। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सौरभ डॉग चैनल जो भी फोटो पिक्चर आपको भेजता है और वो दावा कहता है कि 2 महीने बाद डॉग वैसा दिखेगा, 3 महीने बाद ऐसा दिखेगा, लेकिन 3 महीने बाद 2 महीने बाद उससे बदतर स्थिति हो जाती है। मतलब प्योर बता के देता है, डबल कोट लॉन्ग कोट देता है, कुत्ता देसी जैसा निकल जाता है। हाँ, एकदम बेकार हो जाता है। तो भैया आज या आपकी आवाज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब चैनल पे, और आप भी लोगों से जुड़िए, लोगों की मदद कीजिए, और कहिए सबसे कि सौरभ डॉग केनल सौरभ वर्मा से कुत्ते ना लें। आप भी आप हाँ बिल्कुल, आप आजमगढ़ आइए, आपका स्वागत है, और आप लोग जागरूक बनिए, मेरी तरह बेवकूफ मत बनिए। मैं तो बेवकूफ था जो इस चट्टे साले से ले लिया कुत्ता, और आप लोग थोड़ा, आप 1 वर्ष हो गया ना, 1 वर्ष पहले ठगा था आपको। चलिए भैया मुझे भी दुख है, आप मैं भी ठगा गया, आप भी ठगे गए, ऐसे न जाने बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो ठगे गए हैं वर्तमान में। मैं सौरभ वर्मा के खिलाफ एक अभियान चला रहा हूं कि सौरभ वर्मा से कोई भी कुत्ता ना ले, वो फ्रॉड है, वो चीटर है, वो चट्टा है, वो बेईमान है, बेहया है, बेशरम है, बेलज्ज है, निर्लज्ज है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। देखा आप लोगों ने, मुझे ही नहीं न जाने कितने लोग को ठगा है ये, और मैं ऐसी वीडियो में ऐसे एविडेंस आपके सामने लाता रहूंगा। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उसको बताइए कि चट्टे अब तुम अपनी दुकान बंद करके निकल जाओ, बनारस से भाग जाओ।